Now today I will discuss about output device. Output devices. Okay. Some output devices are those devices which display or give the desired result from the computer. आउटपुट डिवाइस हम किसे कहते हैं? ना ऐसे डिवाइस है जो डिस्प्ले करते हैं और डिजायर्ड जो रिजल्ट्स होता है वो कंप्यूटर में देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस. जैसे सम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर, थर्ड स्पीकर, फोर्थ प्लॉटर, फिफ्थ स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर एटसेट्रा. ओके, नाउ व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर आप सभी ने देखा होगा कंप्यूटर में जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर की, उसे मॉनिटर कहते हैं. तो अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. ऑब्वियसली मैं पहले ही बता दिया कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है. तो ये क्या करते हैं? ना मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइसेस डिवाइस दैट डिस्प्ले ऑल वर्क डन एंड ऑल वर्क डन एंड इमेजेस ऑन इट्स स्क्रीन. इमेजेस ऑन इट्स स्क्रीन. तो ये क्या करते हैं? जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं उसका वो और जो इमेजेस होता है उसको स्क्रीन में दिखाते हैं. तो वो किसका काम है? मॉनिटर का काम है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीडीयू. वीडीयू स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके, नेक्स्ट देखो. हमारे पास दो टाइप की मैं मॉनिटर की बात करूंगी. Mainly two types of monitor technology available are, one is monitor, one is CRT monitor and another is LCD monitor. Okay, CRT stand for cathode ray tube monitor. Cathode ray tube monitor and LCD stand for LCD stand for liquid crystal display monitor. Liquid crystal display monitor. अब देखो ये जो cathode ray monitor है ये क्या करते हैं? ना जो cathode ray monitor is traditionally used in most computer monitors. जो बेसिकली जो कंप्यूटर देखोगे उसमें क्या है कि कैथोड रे मॉनिटर यूज किया जाता है. ये और ये जो एलसीडी मॉनिटर होता है ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है. ये क्या होता है? कैथोड रे मॉनिटर से कंपेयर करें तो ये थिन होता है, पतला होता है, फ्लैट होता है. और कैसे होता है? एंड लाइट वेट, मतलब इसका हल्का वेट होता है. किसका? लिक्विड डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर की. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंटर की. प्रिंटर, तो व्हाट इज प्रिंटर? ना प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस. ये किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू
गेट द प्रिंटेड कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ वर्क ऑन पेपर स्लाइड्स क्लोथ्स एटसेट्रा. इट इज यूज्ड टू गेट प्रिंटेड पेपर प्रिंटेड कॉपी और हार्ड कॉपी. व्हाट इज हार्ड कॉपी? ना जब हम कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस वर्ड पे काम करे, इसी में भी काम करे, तो वहां पर जो हमारा फाइल सेव होता है, जो फाइल्स होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सॉफ्ट कॉपी होता है. जब हम उसको प्रिंट करके निकालते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है. तो हार्ड कॉपी ऑफ हार्ड कॉपी हम किसके निकालते हैं ना? इट इज यूज टू गेट प्रिंटेड कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ पेपर, किसी भी पेपर्स के या स्लाइड्स स्लाइड्स एटसेट्रा. ठीक है, क्यों हम यूज करते हैं प्रिंटर? कि मैं हमारे पास क्या होता है कि कंप्यूटर खराब हो जाए बट हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग के लिए एक कॉपी रह जाए. ओके, कंप्यूटर अगर मान लीजिए कभी कभी हैक हो जाता है, हैंग हो जाता है, या कंप्यूटर काम करना बंद, टेक्नोलॉजी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम उससे पहले क्या करते हैं, उसका हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं. अब मैं आपको प्रिंटर के बारे में कुछ बात बताऊंगी कि ये प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर में क्या क्या चीज होता है. ठीक है, देखो प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर टू टाइप के होता है. प्रिंटर टू टाइप के होता है. वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर, अनदर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ना? जो पेपर को टच करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंट करते समय पेपर को टच करते हैं. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं? डू नॉट टच पेपर, डू नॉट टच पेपर. ये क्या करते हैं? पेपर को टच नहीं करते. मतलब जब प्रिंट करते हैं तो पेपर में कोई ये किसी भी मशीन बोलो, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, कोई भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर टच नहीं करते. ये रे के थ्रू करते हैं. ठीक है, लेजर रे के थ्रू करते हैं. तो इम्पैक्ट प्रिंटर में भी पार्ट्स हैं. कौन कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? जैसे वन इज ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ड्रम प्रिंटर से पहले मैं डॉट मैट्रिक्स की बात करूं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करते हैं ना? ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ये प्रिंट करते हैं वन करेक्टर एट अ टाइम. ठीक है, इट्स प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम. उसके बाद हम बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की. ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर लुक्स लाइक एज इस तरह से देखना होता था पहले, इस तरीके से ड्रम की तरह. ठीक है, ये ड्रम प्रिंटर की साइज होता था, मतलब इस तरह के देखने के लगता है ड्रम प्रिंटर. और ये क्या करते हैं? इट्स प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. ओके, वन लाइन एट अ टाइम. उसके बाद हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर के. लाइन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर के काम एक है बट इसका सेप अलग है. ठीक है, जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल का काम तो सेम है. क्या कहते हैं, वही, चाहे मैं एप्पल ले लूं, चाहे मैं चाइना मोबाइल ओप्पो ले लूं, चाहे मैं रेडमी ले लूं, तो काम तो एक ही करते हैं, परंतु उनके कुछ कुछ से, उनके आकार, उनके सेप, क्या कहते हैं, उनकी जो स्पीड, नेटवर्क फैसिलिटीज अलग अलग होता है. तो उसी तरह ड्रम प्रिंटर और लाइन प्रिंटर का भी सेम काम है कि वो क्या करते हैं, एक वन टाइम में लाइन प्रिंटर भी प्रिंट करते हैं वन लाइन प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन कौन सी प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक है लेजर प्रिंटर.
लेजर, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या करते हैं ना, इट्स प्रिंट वन, इट्स प्रिंट मतलब कि ये प्रिंट करते हैं क्या, वन पेज टाइम पर सेकंड, ये क्या करते हैं वन पेज को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट एक है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ड्राइंग, जो ड्राइंग करते हैं, जो इमेज हुआ, जो शेपिंग शेपिंग इमेज है, उसको हम क्या करते हैं प्रिंट, वो डॉट इन इंकजेट प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होता है, ठीक है। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिंटर, ये भी क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिंटर, ये भी वन पेज प्रिंट करते हैं टाइम पर सेकंड पे। पर लेजर प्रिंटर क्या करते हैं, लेजर के थ्रू करते हैं और ये मैग्नेट के थ्रू करते हैं। तो ये नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, पेपर को टच नहीं करते, और जो न, न, वो कौन कौन सा प्रिंटर है, वन इज डॉट मैट्रिक्स, वन इज डॉट मैट्रिक्स, ड्राम और लाइन। डॉट मैट्रिक प्रिंट करता है वन कैरेक्टर एट अ टाइम, और ड्राम प्रिंटर प्रिंट करते हैं वन लाइन एट अ टाइम, एंड लाइन प्रिंटर वन लाइन एट अ टाइम। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेपर टच नहीं करते, तो लेजर प्रिंटर एक पेज करते हैं वन टाइम पर सेकंड में। इंकजेट में हम ड्राइंग, जो बड़े 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 पोस्टर निकालते हैं, तो इमेज निकालते, तो वो इंकजेट प्रिंटर के थ्रू करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर में ये भी काम करते हैं वन पेज एट अ टाइम, बट लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डिफरेंट, इसमें लेजर के थ्रू होता है, इसमें मैग्नेट के थ्रू होता है। तो ये हम किसकी बात के, प्रिंटर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अनदर आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या करते हैं, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर का काम क्या है ना, देखो प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ऑब्वियसली पहले मैं बता दिया आपको, विच इज यूज टू गैदर टू जनरेट ग्राफिकल आउटपुट। जो ग्राफिकल आउटपुट मतलब जो इमेज वगैरह होता है जो हम कंप्यूटर में बनाते हैं, वो उस इमेज को हमें एक हार्ड कॉपी चाहिए, तो वो किसके थ्रू हम निकालते हैं, वो प्लॉटर के थ्रू निकालते हैं। तो प्लॉटर क्या करते हैं, इमेज को ग्राफिकली आउटपुट, ग्राफिकली प्रेजेंट मतलब देने के लिए, निकालने के लिए हम यूज करते हैं प्लॉटर। तो प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट ग्राफिकल आउटपुट, ठीक है। अब ये जो प्लॉटर है, जैसे कोई बिल्डिंग का मैप बनाते हैं, तो वो बिल्डिंग का मैप किसके थ्रू बनाते हैं, प्लॉटर्स के थ्रू। बेसिकली इट इज यूज टू जनरेट द डिजाइन बाय इंजीनियर, जो इंजीनियर होता है वो यूज करते हैं, जनरेट डिजाइन रिक्वायर्ड बाय इंजीनियर, जो इंजीनियर होता है वो यूज करते हैं, और डॉक्टर्स, ठीक है, सिटी प्लानर्स, जो सिटी प्लान करते हैं किस तरीके से न्यू सिटी बन सकता है, तो उसके लिए कहां पर क्या चीज होना चाहिए, तो उसके एक इमेज बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसका हार्ड कॉपी निकालते हैं। तो ये जो इन्होंने क्या करते हैं, जो क्या कहें, यूज करते हैं ग्राफिक ग्राफ्स को एज अ आउटपुट के हिसाब से, जब हम निकालते हैं तो प्लॉटर के थ्रू हम उसको निकालते हैं। नेक्स्ट देखो स्पीकर भी होता है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है ना, अ स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज ऑफन यूज टू एंटरटेनमेंट, टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड, ठीक है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है।
A speaker is an output device which is often used in entertainment to listen to music and sound. Next, एक बात करते हैं किसकी स्क्रीन प्रोजेक्टर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर की जो हम बात करते हैं आपको पहले ही बता दिया था स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर का क्या काम है किस लिए हम यूज करते हैं ना इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट एनेबल एन इमेज सच एज कंप्यूटर स्क्रीन टू बी प्रोजेक्टर ऑन अ फ्लैट सर्विस ठीक है जिसमें हम क्या करते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू क्या करते हैं हमारे क्लास में भी है तुम लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर के थ्रू क्या होता है जो हम कंप्यूटर में देखते हैं वो उसी चीज को वो बड़े पर्दा एक व्हाइट पर्दा के अंदर क्या करते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन टू बी प्रोजेक्टर ऑन फ्लैट सर्विस देते हैं सर्फेस देते हैं ठीक है दिस डिवाइस आर कॉमनली यूज इन द मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन एज दे प्रोजेक्ट अ लार्ज इमेज कवरिंग एवरीवन प्रेजेंट देयर मतलब कि सभी लोगों को वहां पर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं बहुत सारे लोग और वहां पर मीटिंग में हैं तो वहां पर क्या है कि कंप्यूटर अगर एक के पास हो तो बाकी सबको तो दिखाई नहीं देगा तो हम प्रोजेक्टर यूज करके उसे बड़े पर्दा में क्या करते हैं उसको दिखाते हैं तो उसे कहते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर दीज आर आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सा अभी आपको बताया मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर प्लॉटर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर ठीक है मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर प्लॉटर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर मॉनिटर क्या होता है मॉनिटर दो टाइप के होता है मॉनिटर जो डिस्प्ले करते हैं एक सीआरटी मॉनिटर वन इज एलसीडी मॉनिटर सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एंड एलसीडी का क्या फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर सीआरटी के कंपेयर में एलसीडी क्या होता है पतला होता है और फ्लैट होता है और लाइट वेटेड होता है और उसके बाद हम प्रिंटर की बात करते हैं प्रिंटर हम हार्ड कॉपी होता है जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको हम हार्ड कॉपी के आकार में निकालने के लिए प्रिंटर यूज करते हैं प्रिंटर दो टाइप के होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं पेपर को टच करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर को टच नहीं करते इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है वन इज डॉट मैट्रिक्स अनदर ड्रम प्रिंटर एंड अनदर लाइन प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करते हैं एक पेज वन करेक्टर को एक टाइम में प्रिंट करते हैं ड्रम प्रिंटर वन लाइन को वन टाइम में प्रिंट करते हैं लाइन प्रिंटर वन लाइन को वन टाइम में प्रिंट करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है ना लेजर प्रिंटर होता है जो वन पेज अब ये वन करेक्टर वन लाइन नहीं ये पूरा पेज को प्रिंट कर रहे हैं इंकजेट जो ड्रॉइंग होता है उसको प्रिंट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर ये भी वन पेज को प्रिंट करते हैं प्लॉटर क्या होता है जो ग्राफिकल इंजीनियर होता है डॉक्टर होता है जो उन्होंने ग्राफ्स बनाते हैं उसको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए प्लॉटर यूज करते हैं स्पीकर जो कि हमें एंटरटेनमेंट कर देते हैं जो साउंड होता है उसको लिसन करने के लिए स्पीकर यूज करते हैं एंड स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो कि एक पर्दा के थ्रू क्या करते हैं उसमें बड़े पर्दा में उसको दिखाते हैं जो कंप्यूटर में इमेज होता है ठीक है तो ये दीज आर आउटपुट डिवाइसेस